आराम से, आराम से, आराम से, आराम से नहीं, आराम से, आराम से, पूरा पिक्चर है, पूरा पिक्चर, पूरा आने तो के, पूरा पिक्चर, पूरी पिक्चर, एक मिनट सर जी, जींद के ऐतिहासिक धरती में पहुंचे, यहाँ जल सैलाब था, तो किस तरह का जल सैलाब था यहाँ पर? ऐतिहासिक पांडु भंडारा की धरती, यहाँ से सैलाब होता राजनीति का? देखिए, पूरे हरियाणा में 15 दिन के अंदर 45 रैलियां, बदलाव रैली, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कर रही है, सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अनुराग ढांडा जी सभी रैलियों में जा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी और मैं स्वयं को हरियाणा के लोगों ने देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, चौटाला की पार्टी को भी देखा है। अब एक परिवर्तन की आवश्यकता है। दिल्ली हम 3 बार जीते, पंजाब में हमने 92 सीटें हासिल की, अच्छी सरकार चल रही है वहाँ, दिन में किसानों को बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है सिंचाई का, दिल्ली में हमने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, ये सारी योजनाएं लागू की। अब एक केजरीवाल की 5 गारंटी हम गांव गांव में हरियाणा के पहुंचाएंगे, रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, इलाज की गारंटी, ये सारे वादे पहुंचाएंगे और हरियाणा की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो हरियाणा के अंदर बड़ा बदलाव करें। अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की MSP बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन मुद्दों पर भाजपा ध्यान नहीं देती और खाली आपस में लड़ाने का काम करती है। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और हरियाणा में अग्निवीर योजना मुख्यमंत्री के लिए भी चल रही, 4 साल के बाद खट्टर चले गए और 5 महीने के लिए सैनी साहब आ गए, तो इनको मुख्यमंत्रियों को भी अग्निवीर योजना में रखा गया है। इनको जनता इस बार परमानेंट हटाएगी और बुरी तरीके से बीजेपी यहाँ चुनाव हारेगी। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री एक बड़ा बदलाव हरियाणा में करेगी। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल इस सारे सवाल को लेकर इंडिया गठबंधन की एक सभा भी हुई जंतर मंतर पे, सबने अपील की कि जिस व्यक्ति का शुगर लेवल 50 से नीचे कई बार जा चुका है उनके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है, आप ऐसे व्यक्ति को जेल में जबरदस्ती रखे हुए हैं उनको रिहा कीजिए, तो उसके लिए भी आंदोलन चल रहा है और जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमारी में पानी भरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग सेंटर्स को केंद्र सरकार रेगुलेट करे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग रही है, आज दिल्ली सरकार ने पहल की है इस दिशा में, हम कोचिंग सेंटर्स के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स लूट का अड्डा बन गए हैं, बेसमेंट में आज से कोई क्लास नहीं चल रही, बेसमेंट में आज से कोई लाइब्रेरी नहीं चल रही, दिल्ली में आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे पूछ लीजिएगा, 20-25 साल से चल रही, हम हमारी MCD की मेयर उसको सील कर रही है लगातार और बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है जहां वो देख नहीं अवैध किसी तरीके का काम हो रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लाशों के ऊपर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। 123 लोग मरे उत्तर प्रदेश में, हमने उसमें कुछ संवेदना व्यक्त की और जो सही चीज थी हमने उसकी मांग की। इसमें इस पूरे मामले में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, हमारे मंत्रियों के साथ अधिकारियों की बैठक 28 जून को हुई और नाले की सफाई के लिए, ड्रेनेज की सफाई के लिए, डीसिल्टिंग के लिए मंत्री बार बार कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी
एलजी के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर मिली भगत करते हैं, उन अधिकारियों को ठीक करना और काम कराना हमें।